बेशक भाजपा की डबल इंजन की सरकार तीसरी बार जनता का विश्वास हासिल करने के दावे करे, मगर इन चुनावी सीजन पर भी ऐसे ऐसे निर्णय ले रही है जो सीधे आम आदमी से लेकर खास आदमी को प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में सरसों की सीधी खरीद के आदेश और आढ़त कम किए जाने के नोटिफिकेशन जारी करके लाखों आढ़तियों को नाराज करने की आफत मोल ले रही है। सरकार के इस निर्णय से हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग तमतमा गए और उन्होंने गेहूं की आवक के सीजन में मंडियों के बाहर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान करते हुए प्रदेश भर की मंडियों का दौरा करने की बात कही। वे शनिवार को गोहाना की मंडी में पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उनके साथ मंडी एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रामधारी जिदनल, विनोद सहरावत, जय नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। सबसे अहम मुद्दा आज हरियाणा के अंदर है व्यापार को बचाना, उद्योग को बचाना, मंडियों को बचाना, किसानों को फसल के पूरे दाम दिलाना व्यापार मंडल का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने पहले गेहूं और धान पर आढ़तियों का कमीशन कम किया, कमीशन काट लिया, गेहूं पे 9 रुपये 99 पैसे कम दिया, धान पे 9 रुपये 19 पैसे कम दिया। इस सरकार सरसों जो है डायरेक्ट खरीद करने जा रही है, आढ़ती के माध्यम से खरीद नहीं करेगी और आढ़तियों किसी प्रकार का कमीशन नहीं मिलेगा, जिसके कारण पूरे हरियाणा के अंदर आढ़तियों में, मिलरों में, व्यापारियों में, किसान में, मजदूरों में, मुनियमों में बड़ा भारी सरकार के फैसले के प्रति विरोध है। 40,000 लगभग लाइसेंसधारी मंडियों में आढ़त का काम करते हैं और अनेकों व्यापारी गांवों में फेरी लगाकर भर्ती का काम करते हैं और मंडी के माध्यम से लाखों पलेदार मजदूर मजदूरी का काम करते हैं। हजारों ट्रांसपोर्टर जो ट्रक होते हैं वो मंडी के अंदर लिफ्टिंग के लिए लगते हैं, मुनीम लग काम कर रहे हैं, सीए को रोजगार मिल रहा है। अगर मंडी के अंदर आढ़ती के माध्यम से अनाज की खरीद नहीं होगी तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, तो मंडी का आढ़ती मंडी में बैठ के क्या करेगा? सरकार ने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाया, करोड़ों रुपए की दुकानें आपने आढ़तियों को बेच दी, आढ़ती ने करोड़ों रुपए लगा दिए, जब उसको कमीशन ही आढ़त नहीं मिलेगा तो मार्केटिंग बोर्ड का मतलब क्या है और मंडी का मतलब क्या है? सरकार क्या है, सरकार की एक पॉलिसी समझिए। सरकार की एक पॉलिसी है बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए अनाज, सब्जी व फल के व्यापार पर उनका कब्जा कराना है बराबर में, ताकि प्राइवेट मंडियां बने, उनको लाभ मिले। ये बड़े बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये पॉलिसी बनाई जा रही है। जो 2.5% जो कमीशन दामी की बात जो बार बार आ रही है, ये आज से नहीं है, अनेकों सालों से 2.5% थी और 2.5% चलती आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये 1,000 रुपये हो सकता है, पेट्रोल डीजल 55 वाला 100 रुपये हो सकता है, जो दाल 60 रुपये किलो थी 160 रुपये किलो हो सकती है, जो सरसों का तेल 60 रुपये होता था वो 175 रुपये लीटर होता है, महंगाई तो 2 गुना। और आढ़तियों की आढ़त आप कम करने जा रहे हो, जबकि आढ़त बढ़नी चाहिए। सरकार का एक घोषणा था, वायदा था, हमारी सरकार आने पर दोबारे हम आढ़तियों की आढ़त बढ़ाएंगे, ये मेरी घोषणा नहीं, ये सरकार की तरफ से ये घोषणा थी। आढ़त बढ़ानी तो दूर की बात, आपने 2 पदों आढ़त कम कर दी। इसके अलावा मूंग पर, चने पर, बाजरे पर, उसका भी आप
आड़त खत्म करने जा रहे हो, नरमे में ख़त्म करने जा रहे हो, सरसे में आपके सामने आ गई। मेरी सरकार से एक अपील है, हर अनाज किसान का हर अनाज मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीद होना चाहिए और पूरी दवी 2.5% कमीशन मिलना चाहिए। जिसके विरोध के अंदर जो सरसों का जो कमीशन खत्म किया है सीधी प्रत्येज करने के विरोध के अंदर प्रथम चरण के ऊपर 1 अप्रैल से मंडियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा प्रथम चरण में, और 5 तारीख को फिर जब तक सरकार नहीं मानी अगला ऐलान 5 तारीख को फिर करेंगे। ये हमारा निर्णय है। यहाँ तक कि सरकार लगातार व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर रही और ये भी कहती है उद्योग के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हरियाणा के 75% बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। कहाँ से दोगे भाई? आप व्यापार तो खत्म कर रहे हो, मंडियां उजाड़ने में लगे हुए हो, गांव स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, जहां हैंडलूम का काम था, जहां पलंग दीवार का काम था, जहां नमकीन की बेकरी थी, साबुन तेल की फैक्ट्रियां थी, कूलर पंखे की फैक्ट्री थी, 80% फैक्ट्रियां तो गांवों में बंद हो गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। रोजगार कौन देगा? रोजगार हम देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गुआना की धरती पर बैठा हूँ और कह जाता हूँ, सरकार ईमानदारी से व्यापार व उद्योग बढ़ावा कर देने के लिए व्यापारियों को छूट दे, व्यापारियों को राहत दे, और हरियाणा के अंदर अरबों रुपए का पूंजी निवेश करवाने का वायदा मैं गुआने की धरती पर करके जाता हूँ। इंडिया के जितने सेठ हैं हरियाणा के अंदर लाएंगे और उद्योग लगाएंगे। हरियाणा में एक भी बेरोजगार युवा हम रहने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है, ये दावा है, ये व्यापार मंडल का ऐलान है। देखोगे सबसे ज्यादा बिजली महंगी व्यापारी उद्योगपतियों के ऊपर है। इंस्पेक्टरी राज का फंदा आपने अलग डाल रखा है, छूट 1 रुपए की नहीं है। एक नहीं बताता हूं बात, 9.5 साल हो गए, 9.5 साल इस हरियाणा सरकार को गए, कोई बात कोई पूछ भी सकता है, और कहीं भी किसी चैनल के डिबेट के ऊपर मुख्यमंत्री स्पष्ट बैठ जाए या कोई मंत्री आ जाए जो सरकार प्रतिनिधि आ जाए, मैं जवाब देने दिया हूं, 9.5 साल में 1 रुपए की रियायत अगर हरियाणा में व्यापारी को या उद्योगपति को दी हो तो मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने गुनाहगार। सरकार ने नए नए टैक्स लगाकर टैक्सों में बढ़ोतरी करके आम जनता पर बोझ डालने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ है तब से अब तक कपड़े पर, चीनी पर, दूध पर, दही पर, लस्सी पर, खाद पर टैक्स नहीं था, उस पर GST लगा दिया 5%। आपको नहीं बताता हूं जो आप सामान खरीदे जाते बाजार में आम उपयोग में आने वाली वस्तु जिसके ऊपर 5% वेट था, 18 व 28% वहां GST लग गया। सब्जी पर मार्केट फीस नहीं थी, इस सरकार ने सब्जी पर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। तो मेरी सरकार से एक ही बात है, आप टैक्सों में सरलीकरण कीजिए, टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स घटाने का काम कीजिए, और टैक्स घटा भी नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप टैक्स बढ़ाए ना, जो पहले टैक्स थे वो ही रखे। कितनी गुना बढ़ा दी, क्या सोचोगे आप? बहुत बुरा हाल है। और एक बात और कहता हूं, लाइसेंस भी वन टाइम, आज लाइसेंस ले लिया आज साल रिन्यू नहीं होना चाहिए, पर एक बार रिन्यू हो गया तो रिन्यू हो गया तो बार बार GST तरह रिन्यू नहीं होना चाहिए। ये कानून भी सरकार को बनाना चाहिए, ये गलत कानून है। आज साल हम रिन्यू के लिए 1.5 रुपए के अफसर के चक्कर काटेंगे, हैं ऐसे ऐसे अफसर तो हमारे मुनीम नौकर काम करे, उसके लिए हमने रिन्यू करवाना हो सेक्टरी साहब के जाओ या उसके क्लर्क के जाओ, रिन्यू करवा दो। किस बात का रिन्यू करवा दो? जो आप फीस ले रहे हो, जो आपने लाइसेंस दे दिया, रिन्यू हमको डाकू चोरा
बार बार रिन्यू किया, आपने की जो इंस्पेक्टर राज का फंदा मारे ऊपर डाला डाल दिया, डेढ़ डेढ़ रुपए के अधिकारी मारे मारे बाप बनाकर बिठा दिए, बिल्कुल सरकार के गलत फैसले है, डट के हमारा विरोध है इसका। तो ये जो विरोध की बता रहे थे 1 से 5 ये पूरे स्टेट की मंडियों में आपका मैसेज चला गया है? बिल्कुल फुल मैसेज है, और हर मंडी के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी, धरना हर मंडी में धरना प्रदर्शन होगा, इसमें कोई दो राय। एक बाप के 20 बेटे हुए, बाप तो एक होगा ना, व्यापार मंडल एक ही होता है, सारी इसकी छतरी जो काम करती है, तो आप जो आप सुनोगे जो हम कहते हैं वो करते हैं, और सारे दुनिया को पता, सारी आज पूरे देश के अंदर मजबूती से व्यापार मंडल की हमारी टीम में काम कर रही है, और सोई उस सरकार को जगाने का हमारा काम है, सोई उस सरकार को हम जगाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जहाँ स्थिति है सभी संगठन जितने हमारे मंडी के एसोसिएशन है सारी एकजुट होकर आंदोलन के लिए बिल्कुल कमर कसे बैठे, किसी मंडी में फोन करोगे आपको धरना मिलेगा, जो मैंने कहा वो मिलेगा, कोई कहानी बात नहीं। सरसों की बात कर रहे थे, गेहूं का भी यही है? नहीं, गेहूं में इन्होंने क्या बदमाशी की है, हमारे 9 रुपए 99 पैसे कमीशन कम दिया है। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट।